कलिकाल में एकता में अनेकता है, और जब एकता में अनेकता होती है तो क्राउड होता है, भीड़ होती है। इस समय भगवान को मानने वालों की भीड़ है या क्वाइट है, शांति है? भगवान को मानने वालों में भीड़ है कि शांति है? है शांति कहाँ, भीड़ है, कहीं भी चले जाओ भीड़ है। आज हम जा रहे थे ट्रैफिक में दीक्षित जी के साथ, तो आगे रास्ता ब्लॉक सा आ रहा था, धीरे धीरे गाड़ियां चल रही थी। मैंने कहा अभी तो अच्छे वाले आ रहे थे, क्या हो गया? बोले यहाँ दो तीन रोड का ट्रैफिक एक रोड पे आ रहा है। मेरा दिमाग तुरंत गया ऊपर, मैंने कहा इतनी आसानी से चले जा रहे थे, इतनी स्पीड में चले जा रहे थे, बहुत अच्छी तरह से चले जा रहे थे, लेकिन जब इतने सारे लोगों का जमावड़ा हो गया तो हमारी शांति अपने आप भंग हो गई, और फिर जीवन की सुरक्षा में भय उत्पन्न हो गया। भय उत्पन्न हो गया, कहीं फोन ना आ जाए, ध्यान ना उधर चला जाए, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो गया। आज हमारे आपके जीवन में कोई चाहे कितने बड़े रूपवान, धनवान, गुणवान, बुद्धिवान, समर्थवान, पद प्रतिष्ठावान हो, उसे मृत्यु का भय अनवरत सता रहा है। तो भगवान केवल एक है, और उस एक भगवान में भी कुछ विश्लेषण दिया शास्त्रों ने, कुछ खूबियां दी, कुछ खासियत है, कुछ इंपॉर्टेंस है, कि अगर ये चीजें उसमें हो तभी भगवान मानना, नहीं तो भगवान मत मानना उसे। कुछ छह चीजें शास्त्र ने दी है, अगर ये छह चीजें हो तो आप भगवान मान लेना, चाहे वो कैसा भी भगवान मान लेना, चाहे वो नंगा धड़ंगा खड़ा हो, चाहे वो रो रहा हो, चाहे वो गा रहा हो, चाहे वो हंस रहा हो, चाहे वो नाच रहा हो, चाहे वो गोलगप्पे खा रहा हो, यदि ये छह चीजें उसके अंदर है तो उसे भगवान बिना किसी प्रमाण से स्वीकार करें, ये भगवान है, ये भगवान है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा, ईश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिया ज्ञान वैराग्यो श्रीवा हरणाम भगतीर्णा। भग का मतलब है संपूर्ण ऐश्वर्य, केवल धन नहीं, केवल रूप नहीं, केवल पद नहीं, केवल पैसा नहीं, केवल प्रतिष्ठा नहीं, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके अंदर हो, और दूसरा धर्म जिसके अंदर हो, जिसको देखकर धर्म भावना जागे, यश जिसके पास हो, जिसके साथ बैठने में जीवन में यश का वर्धन हो, श्री हो, श्री तो तब श्री आने से तो संतोष मिलेगा, श्री हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ये छह चीजें जिसमें नजर आए उसे हमें क्या मानना चाहिए, वो भगवान है। कृष्ण में है, चाहे वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं पर ये छह के छह चीजें विद्यमान है, चाहे वो माखन चोरी कर रहे हैं पर ये छह के छह चीजें विद्यमान है। इसलिए चोरी कर्म को भी भगवत लीला में बंधन किया कि आप चोरी करते भी आप कितने सुंदर लग रहे हैं, एक बार मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। चौराग्रहणम पुरुषम नमामि, क्योंकि आप जो कार्य करते हो वो आप संसार से हट कर करते हो, आप जो कार्य करते हो संसार का कोई व्यक्ति विशेष कर सकता नहीं, नहीं। आपकी क्रिया
दिव्य है। तो ऐसे भगवान समृद्ध परमात्मा जगत पिता सच्चिदानंद श्री कृष्ण ने रास के आनंद से ब्रजंगनाओं को ओतप्रोत किया है। ओतप्रोत का मतलब पंजाब में कहावत है, साड़ा ताकत है, हंसते हंसते लोटपोट हो गया है। लोटपोट ऐसे लोग बोलते हैं। तो ओतप्रोत का मतलब क्या है? ओतप्रोत का मतलब अंदर से भी और बाहर से। अगर एक जगह से वो आनंदित है तो बाहर की चीजें उसे प्रभावित करेंगी। बाहर से भी हमारा हाथ खाली नहीं है। यदि खाली हुआ तभी आप बोलोगे चलो एक एप्पल ही पकड़ लो, एक जलेबी पकड़ लो, लेकिन बाहर से भी हम वैभववान हो गए, अंतर से भी हम भर गए। तो ऐसे ओतप्रोत है। श्री राधा रानी का आश्रय मिला है भगवान श्याम सुंदर को। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणीं वसात्मानं निकुञ्जस्थं नित्यं सहचरं भजे। राधा कृष्णमय हो गई है, कृष्ण राधा में हो गए हैं और दोनों ब्रजंगनाओं के चित्त में जब समाहित हो गए हैं तो उनके प्राणों में बस गए, प्राणों में बस गए, मन मंदिर में बस गए श्याम पिया, मन मंदिर में बस गए श्याम पिया। तो ऐसी स्थिति है। आपने बंसी की महिमा सुनी, आपने ब्रज की महिमा सुनी, आपने गोपांगनाओं की महिमा सुनी, आपने इस ब्रज में आए हुए विशंभर त्रिलोकेश्वर अवधरदानी भूत भावन मनोज नशावन चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर देवाधिदेव भगवान शंकर की महिमा सुनी, मुझे रूप का, मुझे प्रतिष्ठा का, मुझे ऐश्वर्य का, मुझे आधिपत्य का, मुझे किसी भी चीज का मुझे कोई परवाह नहीं है। और प्रेम में जब तक परवाह करेंगे हम तब तक प्रेम में बढ़ेंगे नहीं आगे। इसलिए प्रेम बेपरवाह है, क्योंकि प्रीतम बेपरवाह है। आश्रमों में भजन गाते बेपरवाह है, दाता मिलया, यानी मांगो कितना उसे भी ज्यादा देता है। अवधरदानी आपका कैसा अद्भुत खेल, मैंने मांगी बूंद भर तूने सागर दिया उड़े। ये आपके ऑफिस के उस कमरे में वहां जहां टेलीफोन लगा हुआ है वहां पर मेरा पिछले वर्ष सूटकेस रखा हुआ था, अटैची रखा हुआ था और उस अटैची में कुछ सामान निकालने जब गया तो मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने कहा क्या सुंदर वाक्य है, एक बूंद मैंने मांगा था और उसने इतना बड़ा अवसर दे दिया। तो भगवान बेपरवाह है, इसलिए वो उनसे ही रिझते हैं जो उनके रास्ते में बेपरवाह कुछ 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 हिसाब लगा लगा कर चलने वाले हिसाब में रह जाते हैं। वो अपनी बुद्धि की सृष्टि में ही घूमते रह जाते हैं, बुद्धि से ऊपर उठना ही कठिन हो जाता है। ऐसे परमात्मा आज कृष्ण तत्व राधा तत्व आप सुनते ही रहते हो, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो मिली है सखियों को वो उन्होंने सरेंडर किया है, जो हमारे आपके लिए वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल है।
हम कुछ कुछ देना चाहते हैं, कुछ कुछ देना चाहते हैं। आपत्काल में आ जाए, कोई चोर मिल जाए, कोई डाकू मिल जाए, तो भी हम उसे कुछ कुछ देना चाहिए। ये मुंदरी ले ले, ये घड़ी ले ले, ये सोने की चैन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, पूरा बटुआ ही ले ले, पर हमको छोड़ दे। कृष्ण कहते हैं ये सब चीजें दुनिया में रखो, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें आवश्यकता इनकी नहीं है, किसकी है? तेरी है। इसलिए राजा बलि के आगे भगवान झुक गए। आज तक लोगों ने दान किया, संविधा दान की, सामग्री दान की, द्रव्य दान किया, दौलत दान किया। यदि अपने आप को कोई दान किया है तो राजा बलि तू है, पहला इंसान है। इसलिए ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए, ये तो वही घर से, हमारे घर से मांग मांग कर ली गई चीजें, वही मुझे देकर तुम एहसान जताते हो। मैंने हार चढ़ाया, मैंने फूल चढ़ाया, मैंने हलवा चढ़ाया, मेरी चौखट से मांग मांग कर मुझे देकर तुम एहसान जताना चाहते हो। देना है तो अपने आप को दो। सखियों ने दिया, और जब हम किसी के हो जाते हैं तो फिर हमारा बोलना उचित नहीं है। परफेक्ट ड्राइवर हो, दिल्ली में मैं जा रहा था, गाड़ी में बैठा तो मैंने कहा शायद इस गली में, उसने चलाने वाले का आप बोलिए मत, कंफ्यूज कर देते हो आप, मुझे मालूम है जहां जाना मैं आपको ले चलूंगा, यदि वहां नहीं ले चलूंगा तब आप बोलिएगा, आप बीच में कंफ्यूज कर देते हैं। पैसेंजर का मतलब वो बैठा है, बेल्ट लगा के आराम से बैठा है, चलाने वाला बढ़िया होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, फिर पैसेंजर निश्चिंत रहता है। सखियां ऐसी ही हैं, बेल्ट लगा करके आराम से बैठी हैं, चलाने वाला जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। नैया ले चल परनी पार, नैया I'm
Thank you.